ओके जय हिंद दोस्तों, मैं 3D मिलिट्री अकेडमी डायरेक्टर रिटायर्ड आर्मी एनसी ऑफिसर दिलीप कुमार। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन और कमेंट आ रहा है कि अभी अभी 8 जनवरी 2023 को जो सैनिक स्कूल के बच्चों ने एग्जाम दिया है उसका क्या कट ऑफ जाएगा और किसका किसका सिलेक्शन होगा या किसका नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि इसमें पिछले 2 साल से बॉय और गर्ल्स दोनों को सिलेक्शन हो रहा है। इसमें 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन होम स्टेट, दूसरा कंडीशन अदर स्टेट। तो होम स्टेट में भी जनरल ओबीसी एससी एसटी और डिफेंस आता है, सेम अदर स्टेट में भी जनरल ओबीसी एससी एसटी और डिफेंस होता है। तो इन सब का अलग अलग कट ऑफ है और हर एक सैनिक स्कूल का अपना अलग अलग कट ऑफ है। तो आपको बता दूं कि उसमें आपको 2-3 चीज का ध्यान देना है। पहला कि जिन बच्चों ने मैथ में 50 में 40 प्लस सही क्वेश्चन किया है, रीजनिंग में 25 में 22 प्लस क्वेश्चन सही किया है, जीके जीएस में 20 में प्लस कर ले तो बेहतर है, और लिटरेचर हिंदी या इंग्लिश में यदि आप 22 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो किसी भी कैटेगरी में क्यों न हो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें एक बच्चों को 2 चांस मिलता है। अगर आपका यह अंतिम चांस था तो कोशिश करें कि अभी पढ़ाई को बीच रास्ते में न छोड़े, अभी तक आप जारी रखें। जिसका फर्स्ट चांस था और एक चांस बचा हुआ है उसके लिए तो सुनहरा मौका है। आगे भी आपको एग्जाम है, अभी नवोदय है, BSU है, आरके मिशन है, यही तैयारी आपको इसमें भी काम आएगा। बेहतर ये होगा कि आप तैयारी जारी रखें, ढीला ना पड़े। आगे आपको ज्यादा समय नहीं है, लगभग ये फरवरी में आपको रिजल्ट दे देगा। आगे आपको मेडिकल भी है, मेडिकल की तैयारी करते रहें अभी से। मेडिकल आपको आर्मी की तरह, एयरफोर्स की तरह, नेवी की तरह मेडिकल होता है, जीरो मेडिकल होता है, इसीलिए आपको मेडिकल से भी बचना है, साइड इफेक्ट नहीं लेना है, अपना मेडिकल का भी ध्यान रखना है। हमारे पास जैसे और कोई मैसेज आएगा तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आपको पहुँचा दूँ। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और आपको मैं अर्ली मैसेज देता रहूँगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।